जय श्री राम दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को यहां तक कार्ड ड्रॉ दिखाया था, तो यहां पर जो है मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना अगर आप इसे आसानी से ड्रॉ करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है डार्क ब्लू कलर से यहाँ शेडिंग किया, मयूर की जो आँखें होते हैं पंख का उसमें मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया। उसके बाद जो है कुछ कुछ जगह पर येलो जैसा भी दिख रहा है इफेक्ट, वहाँ पर मैं येलो कलर अप्लाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कॉटन बट से अच्छे से एक ही डायरेक्शन पे जो है ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कहीं कहीं जगह पर थोड़ा थोड़ा रेड दिखेगा, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पिंक कलर जैसा भी दिखेगा, पिंक कलर और इधर रेड ऐसा भी दिखेगा। पर यहाँ पर मैं जो है रेड पिंक आप जिससे भी आप रेफरेंस बोर्ड में देखिए उसके बाद मिलकर। तो यहाँ पे जो है कुछ पार्ट स्किप हो गया है जो मैंने चारकोल पेंसिल से ड्रॉ किया, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो यहाँ तक का पार्ट थोड़ा स्किप रेट है। तो अब यहाँ तक अंदाज़ा लगा के आप तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, मुझे पता है, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है जिस आपको देखना है कहाँ पर किस तरह से गए, ये नहीं कि आपको सेम टू सेम जिस डायरेक्शन पे हेयर्स गए हैं उसी वैसे ही बनाना है, मतलब जितना स्ट्रोक है उतना ही बनाना है, नहीं, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, पर जिस डायरेक्शन पे जो गया है उसी डायरेक्शन पर बनाना। ड्राइंग जो है एक्यूरेट नहीं, अपने जो है यूनिक स्टाइल से भी ड्रॉ किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ड्राइंग बनाना है तो हमें एक्यूरेट एकदम परफेक्ट जैसे रेफरेंस फोटो में है वैसा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके हिसाब से अपना स्टाइल भी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है उसके बाद यहाँ पर शेडिंग ब्लेंडिंग करने के बाद इसे जो है कटर से कोशिश कर रहा हूँ हाईलाइट देने की, पर ये आप चारकोल पेंसिल से आप शेडिंग करेंगे तो वो हाईलाइट अच्छे से नहीं होता है ग्रेफाइट पेंसिल से, बल्कि हो जाता है। तो यह भी यहाँ पर ये मिस्टेक थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे बेबी ऑयल अप्लाई करके इसके बाद जो लाइट ब्राउन ऑयल पेस्टल कलर उसे मैंने हर जगह पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है इसे फिंगर से ब्लेंड करके, और जो है यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज कलर पहले ही शेडिंग कर दिया, ये मुझे मिस्टेक होगा, तो आपको यहाँ पर जो है ऑरेंज की जगह पर येलो कलर अप्लाई करना है। उसके बाद ही आपको ऑरेंज कलर जो है अप्लाई करना है, लेयर वाइज ड्रॉ करना है। तो मैंने ये मेरा मिस्टेक है कि ये मिस्टेक आप भी बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पर अब फर्स्ट लेयर आपको ब्राउन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद कॉटन बट से ब्लेंड, फिंगर से ब्लेंड करके अच्छे से ब्लेंड करना है कहीं। तो यहाँ पे जो है फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर जो है ये पिंक कलर जैसा है, तो पिंक कलर में अप्लाई करते रहूँ। उसके बाद फिंगर से ब्लेंड करके यहाँ पे जो है और थोड़ा डार्क करने के लिए यहाँ पे जो है स्किन टेक्चर में थोड़ा रेड कलर अप्लाई करते रहूँ हल्के हल्के से। तो इस जगह पर जो है फ्लावर्स येलो कलर जैसा नहीं है, पर मैं येलो कलर्स मैंने अप्लाई किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से एक्स्ट्रा कलर भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है मैं रेड कलर दे रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर रेफरेंस येलो कलर सॉरी रेड कलर दे जो है डार्क जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर मैं ये सब किया मैंने। अब मैं जो है कॉटन बट से ब्लेंड कर दे रहा हूँ हर जगह पर। तो इस पार्ट में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।